गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आवारा राइडर। तो जी अभी टाइम हो रहा है 12:02, फाइनली यार आफ्टरनून हो गया। ऐसा इसलिए हो क्योंकि कल का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखा होगा तो आप मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, कल जो 520 किलोमीटर की 12 घंटे में हमने राइड की लखनऊ टू हरिद्वार की, करीब 42 या 45 डिग्री में बिल्कुल हालत सी खराब हो गई थी। इसके बाद जब 8:45 में हरिद्वार पहुंच गए थे, उसके बाद से लेकर 10 बजे तक के होटल ढूंढने के बीच में ये सब जो मगजमारी हुई उसमें तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। इसके बाद बस डायरेक्ट हमने होटल लिया और फिर खाना पीना खाए, सो गए। तो जी बस अब 12:02 हो गए हैं, तो अब हम फाइनल अपना सामान वामान पैक करेंगे, इसके बाद फिर अब निकलना ही है। जो आज की अपनी राइड होने वाली है वो हरिद्वार टू बारकोट तक की, वाने करीब 176 किलोमीटर दिखा रहा है, तो देखते हैं कहाँ तक भी पहुँच पाएंगे। वैसे कोशिश करेंगे बारकोट तक पहुँच जाएँ, तो लेट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो चलिए फटाफट अब आपको मिलते हैं ऑन द रोड। तो जी हमने अपने आज की राइड स्टार्ट तो कर दी, बट गोप्रो के माइक ने यार बहुत तगड़ा झटका दिया, वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई पूरे राइड की। बट हमने फिर भी कोशिश की आपको वही फील देने की जो हम राइड पे कर रहे थे। तो जी होटल से निकलते ही सबसे पहला और ज़रूरी काम जो था वो है बाइक में पेट्रोल डलवाना, तो करीब 1096 रुपये का पेट्रोल आया। इसके बाद फिर हम निकल गए अपनी राइड को, और रास्ते में कुछ भाई लोग भी मिले थे, बट अनफॉर्चुनेटली वॉइस रिकॉर्ड न होने के कारण सब कुछ किरकिरा सा हो गया। और जी अपने लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस हमने लिया टनल में बाइक राइड करने का, हालांकि राइड छोटी ही थी लेकिन वाकई में एक्सपीरियंस लाजवाब था। इसके बाद पहला दर्शन जब पहाड़ का हुआ ना, आत्मा तृप्त हो गया, क्योंकि पिछले 2 दिनों से गर्मी में प्लेन पे राइड करते हुए यार हालत सी ख़राब हो गई थी, और जब पहले दर्शन हुए तो आप सोच सकते हो कि कितना ही हमने इन्जॉय किया होगा। हमने डिसाइड किया हुआ था कि हम मसूरी होते हुए कैंपटी फॉल देखते हुए चले जाएंगे बरकोट को, बट जी यहाँ पे हमने देखा कि ये एक सीधा रास्ता जाता है मसूरी होते हुए, और दूसरा राइट हैंड पे जो आप रास्ता देख रहे हो यमुनोत्री गंगोत्री टिहरी ज़िले से होते हुए जाएगा। तो हमने डिसाइड किया चलो इसी रास्ते से चलते हैं, फर्स्ट एक्सपीरियंस नया, कुछ नया देखने को मिलेगा। इसके बाद फिर हम रास्ते में चलते गए, और जी हमने यहाँ पर डिसाइड किया थोड़ा सा खा पी लेते हैं, तो यहाँ पे जी हमने खाया मैगी और पिया चाय, हालांकि सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया हुआ था लेकिन भूख तो लगी गई थी। मुझे पहाड़ों में आकर मैगी खाने का आनंद ही कुछ अलग है, तो अभी यहाँ पे हम मैगी खा रहे हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे। और पीछे आप देख सकते हो कि पूरा ये शायद 2-3 घर इधर होंगे और पूरा बाग लगा हुआ है। ये किसके मतलब कटहल के हैं क्या? कटहल के पेड़ हैं सर, कटहल के। तो जी आप देखो वो खड़ी रही अपनी बाइक, और यहाँ पर हमने जी खाया मैगी और चाय अभी बन रही है, चाय पीकर चलेंगे फिर, क्योंकि आगे ज़्यादा आज स्टॉप नहीं लगेंगे क्योंकि 2:30 बज गए, अभी आधा घंटा हमें यहाँ पे रुके हो चुका है, और अभी आज 176 किलोमीटर की राइड करनी है, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। और ये जी बहुत ही खूबसूरत, ये देखिए यहाँ पे यहाँ की जो लाइफ स्टाइल बहुत ही खूबसूरत और जीरो पोल्यूशन की हो रही होगी। तो नाश्ता करने के बाद एक बार फिर से हमने अपनी राइड स्टार्ट कर दी टूअर्ड्स माउंटेन्स। एक चीज़ मैं आप लोग को बताना भूल ही गया कि हमने जो अपना रूट मैप तैयार कर रखा था वाया ऋषिकेश, बट ऋषिकेश सिटी के करीब 5-6 किलोमीटर पहले ही 2 रास्ते हमने देखे। लेफ्ट हैंड को एक रास्ता जा रहा था उत्तरकाशी के लिए, तो हमने वही रास्ता चूज कर लिया, और अभी हम राइड कर रहे हैं टूअर्ड्स माउंटेन्स। और अभी 15 किलोमीटर बाद ये जगह पड़ी नरेंद्र नगर, नरेंद्र नगर से आपको सीधे ऊपर की ओर लेना है, और जैसे आप लोग 1-2 किलोमीटर चलोगे ना ये नज़ारा देखने को मिलेगा, भाई वाकई में क्या शानदार एक्सपीरियंस था। कितनी चौड़ी रोड थे, देखो ऐसी चौड़ी रोड आपको प्लेन में भी कभी कभी देखने को नहीं मिलती। तो जी उधर देखो, उधर से हम आ रहे हैं, उधर थोड़ा सा एरिया में करीब 100 मीटर में कुछ लैंड स्लाइड हुई थी जिसके कारण काम चल रहा है। वो जो आप ऊपर देख रहे हो ना उसके ऊपर भाई जेसीबी चढ़ी हुई है, अलग ही लेवल का ख़तरनाक हो रखा है। और यहाँ पे जी मैं पानी पीने के लिए रुका था क्योंकि 1 घंटा हो गया तो प्यास लग रही थी, लेकिन यहाँ का जो नज़ारा है ना वो यार दिल को छू गया। देखो नीचे ये एक तरीके से वैली टाइप की लग रही है, और वैली में बसा ये खूबसूरत हरा भरा गांव। तो रोड कंडीशन चंबा तक तो बहुत ही शानदार थी, कुछ कुछ पैचेस पे ज़रूर अंडर कंस्ट्रक्शन थे, और जिस जगह पे अभी हम पहुँचे ना यहाँ से 2 रोड जा रहे हैं, पहला ऊपर की ओर चंबा सिटी होते हुए जाएगा और दूसरा नीचे से ये टनल होते हुए टिहरी होते हुए जाएगा। तो हमने डिसाइड किया टनल से चलते हैं,
और जो पहले वाली टनल थी ना वो छोटी थी, लेकिन ये करीब 500 मीटर की टनल थी। और जैसे ही बाइक हमने एंटर कराया ना टनल में भाई, वो जो फीलिंग थी ना वो वाकई कमाल का एक्सपीरियंस था। मज़ा सा ही आ गया यार, क्या फीलिंग आ रही थी। और जब आप टनल से बाहर निकलते हो, पहली लाइट जब आपको देखने को मिलती है, वाकई में यार एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस रहा। इसकी क्या ही तारीफ करें, बहुत ही शानदार टनल बनाया गया था। इसके बाद फिर हम निकले चंबा से, जैसे ही आगे भाई मौसम कतई जहर होने लगा, बहुत ही ख़राब मौसम है। हालांकि जो चिल्ड हवाएं थी, अभी तक जो गर्मी झेलते हुए मैं आ रहा था ना, इतनी ज़्यादा ठंडी लगने लगी कि यार मन कर रहा था कि स्वेटर वगैरह जैकेट वगैरह निकाल के पहन लें। इसके बाद हम राइड करते गए क्योंकि मौसम ख़राब होता जा रहा था। और देखते ही देखते कुछ ही देर में जो राइड को हम एंजॉय कर रहे थे, जो चिल्ड हवाओं को हम एंजॉय कर रहे थे ना, वो सारा ही मज़ा सजा में बदलने लगा, क्योंकि जी होने लगी हल्की हल्की सी ड्रिजलिंग। फिर हमने लगा कि कहीं पे स्टे कर लिया जाए, तो हमने ये एक जगह पे रुक कर भाई से थोड़ा सा पूछताछ किया कि बरकोट यहाँ से कितना दूर है, कैसे रास्ते हैं, क्या मौसम कैसा रहेगा। तो उन्होंने बोला कि अब बरकोट तक जाना आपका ठीक नहीं रहेगा, नीचे यहाँ से करीब 15-22 किलोमीटर अगर आप राइड करोगे तो वहाँ पे आपको होम स्टे होटल्स वगैरह मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कितने ही ख़राब रास्ते मिलने स्टार्ट हो गए थे। कुछ कुछ पैचेस पे सही थे, बट मोस्टली रोड गड़बड़ मिल रहा था। इसके बाद हमने राइड को कंटिन्यू रखा क्योंकि हमें नीचे जब करीब 22 किलोमीटर तक पहुँचे थे, हल्की हल्की ड्रिजलिंग स्टार्ट थी। यहाँ पे हमने थोड़ा सा चाय पिया, इसके बाद फिर हम निकल गए कामंद को। नीचे हमने पता किया कि कामंद पे होटल वगैरह मिल जाएंगे। तो हम राइड कंटिन्यू करते हुए जी पहुँचे कामंद। यहाँ पे एक अंडर कंस्ट्रक्शन होटल था, तो यहाँ पे पता किया तो जी बात बनी नहीं। फिर हमने मार्केट में कामंद में ही पता किया, तो यहाँ से भी नीचे करीब 16 किलोमीटर एक होटल मिला। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और जी हम नहा धोकर रेडी हो चुके हैं अपनी आगे की राइड करने के लिए। और जी अभी हम रुके हुए हैं कंडिस और छाम। ये इतना डिफिकल्ट नहीं, मैंने यार मैं इसे बोलने के लिए कम से कम 10 बार टेक लिया हूँ। तो यहाँ से आगे की कहानी जानने से पहले थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में लिए चलता हूँ। जब हम कल शाम को करीब आई थिंक 5 बजे कामंद पहुँचे थे, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि कामंद में ही एक हमने अंडर कंस्ट्रक्शन होटल देख रहे थे, तो वहाँ पे बात बन नहीं पाई थी। तो कामंद के आगे जब हम आए तो वहाँ पे मार्केट में हमने लोगों से पता किया, तो उन्होंने यही जगह सजेस्ट किया कंडी सौड़ छाम। तो ये करीब वहाँ से 15-16 किलोमीटर ये मार्केट बेसिकली मार्केट है। तो वहाँ से जब हम जी आ रहे थे तो रास्ते में होने लगी काफ़ी तेज़ी से बारिश, थोड़ा सा हम भीग भी गए थे। और उसी दौरान एक पेट्रोल पंप मिला, वहाँ पे हमने सोचा कि अपना गोबरों निकाल कर अंदर रख दिया जाए। और जी गोबरों निकाल के तो हमने बैग में रख लिया, बट उसका जो माउंटनर होता है ना वो हमने वहीं पे गलती से छोड़ दिया और चले आए यहाँ पर। अभी जब सुबह मैं गोबरों माउंट करने लगा हेलमेट में, तो यार वो मिल ही नहीं रहा था। फिर मैंने पूरा बैग वगैरह सब कुछ छान मारा, तब मुझे याद आया कि वहीं पे चेंज किया था, वहीं पे गोप्रो निकाला था, वहीं पे लगता है छूट गया। बिल्कुल परेशान हो गया। आप सोच नहीं सकते हो कि उस एक छोटी सी चीज़ की कितनी बड़ी कीमत है। उसके बिना यार गोप्रो हेलमेट में माउंट ही नहीं हो सकता। फिर मुझे याद आया कि मैंने एक लोकल ही परचेज किया हुआ था वो माउंटनर, वो मेरे बैग में लकली मिल भी गया, थोड़ा सा राहत मिली, नहीं तो फिर मुझे पीछे जाना पड़ता, पता नहीं मिलता कि न मिलता। और जी कल की जो हमारी राइड रही है, टोटल 131 किलोमीटर ओनली ही हम राइड कर पाए थे, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट निकले थे। 1 बज गया था हरिद्वार में ही, वहाँ से फिर ऋषिकेश जाम में इतना जूझते हुए पहुँचे थे। इसके बाद फिर पौना घंटा हम एक जगह ऋषिकेश के थोड़ा सा ऊपर ही रुके थे। लेकिन जी नरेंद्र नगर से जो बढ़िया रोड मिली है और जो मज़ा आया है ना राइड करने में, वाकई शानदार फीलिंग थी। और 7 बजे अराउंड हम यहाँ पे कंडी सौंड छाम में पहुँच चुके थे। ये बेसिकली टिहरी जिले में ही आता है, अभी उत्तरकाशी जिला आगे आना बाकी है। इसके बाद हमने बस डिनर किया और सो गए। शाम को थोड़ा सा वॉक पे भी गए थे क्योंकि यार बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी थी, तो सोना ही उचित समझा। और सुबह आज जी बहुत ही देर से नींद खुली है। तो जी बस आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। और जी अभी हम रुके हुए हैं होम स्टे में, और यहाँ से जो बाहर का नज़ारा है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, ये पीछे पूरा ही एक टाउन बसाया गया है कंडिसौड़ छाम में, और पीछे जी है भागीरथी नदी। कल रात को मैं गया था, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं चल के आप लोग को दिखा देता। बाकी जी बस
आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं और फटाफट निकलते हैं, क्योंकि अभी मुझे जाना है, आज का पूरा राइड हमें करना है जानकी चट्टी तक का। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना सा ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग आउट आवारा राइडर। हर हर महादेव, हर हर गंगे।